इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की साइंस बुक का फिजिक्स पार्ट से चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर की टोटल दो वीडियोस हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये वीडियो पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 देखने से पहले आप पार्ट 1 जरूर देखिए। उसका लिंक जो है, पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और पार्ट 2 यानी कि इस पार्ट में हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसमें है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रे डायग्राम फॉर लेंसेज, लेंस फॉर्मूला एंड पावर ऑफ लेंस। सो स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट को। अब तक हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। जब लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इसी को कहा जाएगा रिफ्रैक्शन। ठीक है, और ये होता क्यों है? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट एंटर्स वन मीडियम टू अनदर। रिफ्रैक्शन जो होता है वो क्यों होता है? क्योंकि जब जो लाइट की स्पीड होती है वो चेंज हो जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो वैक्यूम या फिर एयर में लाइट की स्पीड जो होती है वो होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसमें चेंज आ जाता है जब ये किसी और मीडियम में जाती है, एयर से वाटर में या फिर ग्लास मीडियम में या और किसी मीडियम में। ठीक है, सो सपोज कीजिए ये है मीडियम वन, M1 यानी कि मीडियम वन, और ये है M2। जब कोई ओब्लिक यानी कि तिरछी लाइट रे इसमें एंटर करेगी, ठीक है, इस तरह से ये लाइट रे इसमें एंटर कर रही है, ये ऊपर वाला जो है ये मीडियम वन है, नीचे मीडियम टू है। सो ये एयर से किसी ग्लास में, सपोज कीजिए कोई ग्लास है, इसमें एंटर कर रही है, तो ये सीधी जानी चाहिए कैसे, सीधी लाइन में, लेकिन ये थोड़ी सी बेंड हो जाती है। ठीक है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, इस तरह से ये बेंड हो जाती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। ठीक है, इसी को कहा जाता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेजेस पर डिटेल में पढ़ेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन के बाद अब हम देखते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल। इसमें सबसे पहले है द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर्स हायर। स्विमिंग पूल का जो बॉटम यानी कि जो तल होता है वो हमें थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? रिफ्रैक्शन, क्योंकि लाइट रेज जो है वो एयर से वाटर के मीडियम में जाती हैं। ठीक है, इसी कारण हमें लाइट की स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है और जो बॉटम है वो हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। सेकंड है इसमें अ पेंसिल पार्शियली इमर्ज्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट एट द सरफेस ऑफ वाटर एंड एयर। जब कोई पेंसिल हाफ इमर्ज्ड इन वाटर, आधी पानी में डूबी हुई होती है, तो हमें वाटर और एयर का जो सरफेस होता है, ये एयर ये वाटर, ठीक है, इसके सरफेस पर जहाँ पर ये दोनों कॉन्टैक्ट करते हैं, एयर और वाटर, उस सरफेस पर हमें पेंसिल थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई देती है। ठीक है, इस एक्टिविटी को आप घर पे भी देख सकते हैं। इसका कारण क्या होता है कि लाइट रेज जो हैं हम इसे कहाँ से देख रहे होते हैं, यहाँ से अगर हम इसे देखें, ठीक है, तो हमें ये बेंट होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, क्योंकि हम इसे कहाँ से देख रहे हैं, एयर से। लाइट रेज कहाँ से? एयर से वाटर के अंदर जा रही है। सो मीडियम चेंज हो गया, सो यहाँ पर क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसी कारण ये बेंट होती हुई हमें दिखाई देती है। थर्ड है इसमें लेमन प्लेस्ड इन ग्लास टम्बलर अपीयर्स हायर। ग्लास टम्बलर यानी कि कांच का ग्लास जो होता है उसमें जब हम लेमन डाल देते हैं, एक साबुत लेमन डालेंगे हम उसमें, तो वो हमें साइड से देखने पर वो हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। इसका कारण भी क्या है? रिफ्रैक्शन, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रेज जाने पर उनकी स्पीड चेंज हो जाती है। ठीक है, थर्ड है, सॉरी लास्ट है इसमें, लेटर्स ऑफ ए बुक अपीयर्स टू बी रेज्ड व्हेन सीन थ्रू ए ग्लास स्लैब। अगर आपकी बुक है, ठीक है, बुक पर अगर हम ग्लास स्लैब रख देते हैं, उसकी वजह से जो भी लेटर्स होते हैं बुक पर लिखे हुए, जो भी अल्फाबेट्स लेटर्स होते हैं, वो हमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी क्या हो रहा है? मीडियम चेंज हो रहा है, एयर और ग्लास मीडियम है, वहाँ पर भी दो मीडियम है, इसी कारण लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी और जो लेटर्स हैं वो हमें थोड़ा सा ऊपर दिखाई देंगी। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए हैं रिफ्रैक्शन के। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है। सो सपोज कीजिए ये हमारी PQRS एक ग्लास स्लैब है, यहाँ पर एयर का मीडियम है और ये ग्लास मीडियम है। ग्लास स्लैब है तो ग्लास मीडियम होगा। ठीक है, सो ये नॉर्मल लाइन है हमारी, नॉर्मल RS वाले सरफेस पर नॉर्मल है और ये PQ वाले सरफेस पर
नॉर्मल लाइन है हमारी, सो इसे डिनोट कर देते हैं ये एन, ये एन डैश, ठीक है। एन और एन डैश जो है हमारी ये नॉर्मल लाइन है। अब सपोज कीजिए ये हमारी इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है एक मीडियम से, ये एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में एंटर करेगी। और रिफ्रैक्शन क्या कहता है, जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। सो ये एयर मीडियम से जैसे ही ग्लास मीडियम में एंटर करेगी, इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए थी, बिल्कुल सीधी जानी चाहिए थी इस लाइन में, लेकिन जब ये ग्लास मीडियम में एंटर करेगी तो ये जो है नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है। सो इसका पाथ जो है, डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, ये इस जैसे ही इस पॉइंट पर एंटर करेगी और ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है। सो ये यहाँ पर ये क्या है, इंसिडेंट रे, सो ये बनाएगी यहाँ पर एंगल आई, और जब इस पॉइंट के बाद ये क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया इसका, यानी कि रिफ्रैक्टेड रे हो गई, तो ये यहाँ पर बनाएगी एंगल आर, ठीक है। और एंगल आर जो है वो एंगल आई जो है आर से बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि ये आर नॉर्मल की तरफ जो है, रिफ्रैक्टेड रे जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, मुड़ गई, ठीक है। अब एयर से ग्लास मीडियम में आने पर क्या हुआ, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, ठीक है, बेंड हो गई। अब फिर से सपोज कीजिए ये हमारी इंसिडेंट रे है, इस वाले सरफेस पर ये इंसिडेंट हो रही है, तो ये बनाएगी यहाँ पर एंगल आई, आई टू, ठीक है, आई तो बना चुकी है यहाँ पर, सो आई टू रख लेते हैं इसे, ये बनाएगी एंगल आई टू। और जब ये ग्लास मीडियम से एयर मीडियम में जाएगी तो यहाँ पर बनाएगी एंगल आर टू। यहाँ पर आप क्या नोटिस करेंगे, जैसे ही ये ग्लास मीडियम से एयर मीडियम में जाएगी, सो ये अवे टू द नॉर्मल, ये फिर से बेंड हो जाएगी नॉर्मल से दूर। यहाँ पर क्या हुआ था, ये नॉर्मल की साइड नॉर्मल की तरफ बेंड हुई थी, और यहाँ पर क्या हुआ है, ये नॉर्मल से दूर बेंड होगी, ठीक है। अब जो रे होगी ये हो गई फाइनली रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, ये फाइनली रिफ्रैक्टेड रे है। अब आप नोटिस करेंगे जो फाइनल में रिफ्रैक्टेड रे है एयर मीडियम में, ये वाली, और जो ओरिजिनल पाथ था इसी रे का, ठीक है, ओरिजिनल पाथ, ये बिल्कुल इसके पैरेलल है, और ये इसका ओरिजिनल पाथ क्या होना चाहिए था ये, लेकिन इस ये किस पाथ पर आ गई रिफ्रैक्शन के कारण, इस पाथ पर। सो आप यहाँ पर देखेंगे कि इनके बीच में जो है कुछ डिस्टेंस आ जाएगा, सपोज कीजिए इसमें आ गया एक्स डिस्टेंस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसका पाथ होना चाहिए था ये, इसके ये पाथ हो, अब क्या है इसका रिफ्रैक्शन के बाद ये, सो इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया, थोड़ा सा इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, उसे कहा जाएगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंड करेगा दो चीज़ों पर, फर्स्ट है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, जो हमारी ग्लास स्लैब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम नेक्स्ट पेजेस पर पढ़ेंगे, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगा। और सेकंड थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब की थिकनेस पर, यानी कि जो आर से क्यू की दूरी है ये होगी थिकनेस, ठीक है, अगर ये थिकनेस इंक्रीज होगी सो ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये भी इंक्रीज होगा, अगर ये थिकनेस कम होगी तो ये डिस्प्लेसमेंट भी कम हो जाएगा। ये था हमारा ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन। अब देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्रैक्शन के कुछ नियम, जैसे कि पीछे वाले पेज पर हमने ग्लास स्लैब के रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, तो जहां पर भी रिफ्रैक्शन होगा वहां पर कुछ नियम को फॉलो करना होगा। उसमें से फर्स्ट है द इंसिडेंट रे द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। जो हमारी इंसिडेंट रे होती है, रिफ्रैक्टेड रे होती है, और नॉर्मल रे जो होती है हमारी, जो दोनों मीडियम के इंटरफेस, यानी कि जहाँ पर दोनों मीडियम मिलते हैं वहाँ पर जो नॉर्मल रे होती है हमारी, ये तीनों चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए, सेम प्लेन में होनी चाहिए, ठीक है। और सेकंड है इसमें स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो स्नेल्स लॉ क्या होता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट फॉर ए लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। अगर हमें किसी एक कलर की लाइट दी गई है और एक पेयर ऑफ मीडियम दिया गया है, ठीक है, सो इसको इस डायग्राम से समझते हैं थोड़ा। एक पेयर दिया गया हमें मीडियम का, मीडियम वन और मीडियम टू, लाइन के ऊपर की तरफ मीडियम वन है और नीचे की तरफ मीडियम टू है। सो मीडियम वन और मीडियम टू में हमें एक गिवन कलर की लाइट दी गई है, सो ये नॉर्मल, ये हमने बनाई नॉर्मल। सो एक जो हमें गिवन कलर की लाइट दी गई है वो एक मीडियम से, ये लाइट रे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये लाइट रे
मीडियम वन से मीडियम टू में जब एंटर करेगी तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। सो ये नॉर्मल के साथ बनाएगी एंगल आई और नीचे की तरफ बनाएगी रिफ्रैक्टेड यानी कि एंगल आर। और ये एंगल आई और एंगल आर जो होंगे इनका जब हम रेशियो निकालेंगे किस तरह से, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है साइन आई यानी कि इस एंगल का साइन और इस एंगल का साइन, साइन आई और साइन आर का जब रेशियो निकालेंगे तो वो रेशियो जो आएगा वो कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, कॉन्स्टेंट किस तरह से, सो इसका रेशियो आ गया, जो भी इसका रेशियो आएगा, सपोज कीजिए हम इस एंगल आई को इंक्रीज कर दें, हमने जो है ये इंसिडेंट रे जो है ये और ओब्लिक यानी कि तिरछी कर दिया इसे। ठीक है, यहाँ पर ये नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ मैं, हमने इसे इसका एंगल बढ़ा दिया, ये एंगल आई जो है ये इंक्रीज हो गया, सो एंगल आर जो होगा वो भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, ये एंगल आर। अगर मीडियम सेम है और लाइट का कलर सेम है तो जो एंगल आई और एंगल आर इन दोनों का रेशियो, साइन आई और साइन आर इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो, उनका आंसर जो है वो सेम आएगा यानी कि कॉन्स्टेंट होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ये है स्नेल्स लॉ। ठीक है, अब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, द रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। हमें एक मीडियम का पेयर दिया गया यानी कि दो मीडियम दिए गए हैं, उन दोनों मीडियम में जो लाइट की स्पीड का रेशियो होगा उसी को कहा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट किया जाता है। सो इसे अगर हम आइडेंटिटी की फॉर्म में या फॉर्मूले की फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, एन यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम टू, यानी कि लाइट की स्पीड मीडियम वन में और मीडियम टू में इनका रेशियो उसी को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, सो मीडियम वन को स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन को हम लिख देंगे वी वन और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू को हम लिख देंगे वी टू। वेलोसिटी और स्पीड एक ही बात होती है तो वेलोसिटी की जगह हम स्पीड भी बोल सकते हैं या वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो वी वन बाई वी टू। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो कुछ इस तरह से लिखा जाए जब, तो उसका मतलब क्या होगा, एन टू वन। इसका मतलब होगा कि एन टू वन, इसका मतलब है कि सेकेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम में कितना है एज कंपेयर टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, और एन टू वन अगर लिखा जाएगा तो उसका मतलब होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का कितना है विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को समझना हमें जरूरी होगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक टर्म आती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम या फिर वैक्यूम और एयर। किसी एक मीडियम का वैक्यूम और एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है उसी को कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या फिर दूसरे वर्ड्स में अगर मैं कहूँ कि किसी एक मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी एज कंपेयर टू वैक्यूम और एयर में जो लाइट की स्पीड है उससे अगर हम कंपेयर करें। ठीक है, सो इनका रेशियो उसी को कहा जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें हमेशा किससे कंपेयर करना होता है, हमें लाइट की स्पीड वैक्यूम और एयर में कितनी होगी। ठीक है, सो इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एन इक्वल्स टू सी अपॉन वी। एन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इक्वल्स टू में सी होता है हमारी लाइट की स्पीड वैक्यूम या फिर एयर में जो होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वी है यहाँ पर जो अदर मीडियम है उसमें लाइट की स्पीड। ठीक है, सो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसमें एक पॉइंट दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज द हाईएस्ट। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हाईएस्ट होता है, जो है 2.42। ठीक है, और भी बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं आपकी बुक में, एक टेबल दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, उसमें आप देख सकते हैं किस किस ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। ठीक है, वहां पर आप चेक कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही रिलेटेड दो टर्म आती हैं, डेंजर मीडियम और रेयर मीडियम। सो डेंजर ऑप्टिकली डेंजर मीडियम और ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होता है, सो डेंजर मीडियम आउट ऑफ टू मीडियम द मीडियम हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दो मीडियम में से जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी उसे हम कहेंगे डेंजर मीडियम। और रेयर मीडियम क्या होता है, आउट ऑफ टू गिवन मीडियम द मीडियम विद लोअर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि दो मीडियम दिए गए हैं उनमें से जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी उसे कहा जाएगा रेयर मीडियम।
ठीक है, इसे डायग्राम से समझते हैं। सपोज कीजिए ये मीडियम वन और मीडियम टू दिया गया है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, मीडियम वन का कम है मीडियम टू का ज़्यादा है। सो लाइट रे जो है तो ये इसका कम है मीडियम वन का, तो ये हो जाएगा रेयरर, रेयरर मीडियम, और मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो ये हो जाएगा डेंजर मीडियम। ठीक है, अगर कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंजर मीडियम में जाती है, ठीक है, तो सपोज कीजिए ये लाइट रे ये मीडियम की बाउंड्री है, इंटरफेस है इनका, और ये है नॉर्मल। सो ये लाइट रे एक मीडियम, मीडियम वन, रेयरर मीडियम से यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा में जाएगी तो वो बेंट हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। ठीक है, ये किस तरफ बेंट हो गई, किस तरफ मुड़ जाएगी, नॉर्मल की तरफ। अगर हम वही बात करें कि ऊपर वाला हमें दिया गया है ये है डेंजर यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज़्यादा है और नीचे है रेयरर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। डेंजर से रेयर मीडियम में जाएगी कोई लाइट रे, ये नॉर्मल हो गई, डेंजर से रेयरर मीडियम में जाएगी कोई लाइट रे तो क्या होगा, लाइट रे जो है वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये दूर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर डेंजर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी और रेयरर से डेंजर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है, रिफ्रैक्शन में हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है स्फेरिकल लेंसेज, यानी कि रिफ्रैक्शन स्फेरिकल लेंसेज से किस तरह से होगा। सो लेंसेज जो है वो दो तरह के होते हैं, कन्वेक्स लेंसेज एंड कनकेव लेंसेज। कन्वेक्स लेंस के बारे में देखते हैं, सबसे पहले ये कुछ इस तरह का होता है, थिन फ्रॉम द कॉर्नर्स, ये कॉर्नर्स यानी कि किनारों से जो है वो पतला होता है, थिक एट द सेंटर, सेंटर से ये मोटा होता है, कन्वर्जिंग, और ये लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग, इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है क्योंकि ये जो भी लाइट रेज होती है उन्हें एक पॉइंट पर कन्वर्ज इकट्ठा कर देता है इसलिए। ठीक है, अब देखते हैं कनकेव लेंस के बारे में। ठीक है, सो कनकेव लेंस थिक फ्रॉम द कॉर्नर्स, कनकेव लेंस जो है वो कॉर्नर्स पे थिक यानी कि मोटा होता है, थिन एट द सेंटर, सेंटर से ये पतला होता है एज कंपेयर टू कॉर्नर्स, कॉर्नर से पतला बीच में होगा ये। ठीक है, और इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये जो भी लाइट रेज होती हैं उनको दूर दूर कर देता है इसलिए ये डाइवर्जिंग लेंस भी कहलाता है। अब देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों ही बाईफोकल लेंस होते हैं यानी कि इनके दो दो फोकस होते हैं। ठीक है, जो लेफ्ट साइड में फोकस होता है उसे F1 कहते हैं और C1 इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है लेफ्ट साइड में। ठीक है, और ये फोकस और C1 जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो इस वाले सरफेस का होता है, राइट वाले सरफेस का फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में होता है और लेफ्ट वाले सरफेस का फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में होता है। ठीक है, जो लेफ्ट साइड में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं उन्हें C1 और F1 से डिनोट किया जाता है और जो राइट साइड में होते हैं उन्हें F2 और C2 से डिनोट किया जाता है। जो C1 है इसे हम 2F1 भी लिख सकते हैं क्योंकि फोकस का 2 टाइम होता है C, सो ये 2F1 भी लिखा जा सकता है, इसी तरह से C2 को 2F2 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से कॉनकेव लेंस के भी दो फोकस होंगे, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। सो इस वाला सरफेस जो इसका लेफ्ट सरफेस है उसका फोकस लेफ्ट साइड में होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लेफ्ट साइड में, और इसी तरह से राइट साइड का जो सरफेस है उसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में ही होगा। ठीक है, सो इसे भी C1F1 कहते हैं जो लेफ्ट साइड में होता है, और जो राइट साइड में होता है उसे F2 और C2 कहा जाता है। बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही इसे हम 2F1 लिख सकते हैं और इसे 2F2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 टाइम्स होता है फोकस का सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये कुछ सिंपल सी प्रॉपर्टीज हो गई, इनसे हमें हेल्प मिलेगी रे डायग्राम बनाने में। ठीक है, दोनों लेंसेज में से सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के रूल्स और इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होती है। सो फर्स्ट है रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होगी उसके रूल्स। सो इसके टोटल 3 रूल्स होते हैं, एक एक करके तीनों को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज पास फोकस ऑफ अदर साइड ऑफ लेंस। कोई
ये इसमें प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी लाइट रे होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। सो ये आ गई एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, ये लाइट रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो कहाँ से क्रॉस करेगी, पास फोकस ऑफ अदर साइड ऑफ लेंस, ये पास करेगी दूसरी साइड, जिस तरफ से आ रही है ये इंसिडेंट है उसके दूसरी साइड फोकस से क्रॉस करेगी। सो ये मिडल में जाएगी और फोकस की तरफ टर्न हो जाएगी, ये फोकस से क्रॉस करेगी दूसरी साइड, ठीक है, ये था फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल है इसमें, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस विल अमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन, कोई लाइट रे है जो फोकस से आ रही है, ठीक है, फोकस से इंसिडेंट है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। सो ये इंसिडेंट रे है, ये एफ वन फोकस वन से क्रॉस कर रही है, ठीक है, इंसिडेंट है एफ वन से, तो ये जब रिफ्रैक्शन होगा उसके बाद क्या होगी, ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। सो ये हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। थर्ड और लास्ट रूल है इसका कॉन्वेक्स लेंस का, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल पास विदाउट एनी डेविएशन, कोई रे लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर यानी कि इस ऑप्टिकल सेंटर ओ से पास करेगी तो वो विदाउट एनी डेविएशन बिल्कुल सीधी उसमें से निकल जाएगी। सो ये लाइट रे है, ठीक है, ये लाइट रे जब ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो ये बिना किसी मुड़ाव के, बिना किसी डेविएशन के बिल्कुल सीधी पास हो जाएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी रेज होती, कौन सी ऐसी रे है जो विदाउट डेविएशन पास हो जाती है, तो ऐसी दो ही रेज होती हैं, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है वो, और एक होती है जो ओ से पास करे, ठीक है। रूल्स के बाद अब हम देखते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से इमेज किस तरह से बनती है, इसके टोटल 6 केसेस होते हैं, एक एक करके सभी को देखते हैं। सो इसमें फर्स्ट है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट की पोजिशन इन्फिनिटी यानी कि अनंत पर हो तो इमेज कहां पर बनेगी, ठीक है, तो इसका रे डायग्राम बनाते हैं, ये इन्फिनिटी से पैरेलल लाइंस आएंगी लेंस पर, ठीक है, इस तरह से, और जो भी पैरेलल लाइंस आएंगी वो दूसरी साइड प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, वो दूसरी साइड फोकस से क्रॉस करती हैं, ये हमने रूल्स में पढ़ा है। सो ये सभी जो हैं ये फोकस से क्रॉस करेंगी इस तरह से, ठीक है। सो जहां पर भी दो या दो से ज्यादा रेज एक दूसरे से मीट करें वहीं पर क्या होती है इमेज। सो इमेज कहां बनेगी, एफ टू पर, यानी कि जिस साइड से भी रेज आ रही हैं उसके अपोजिट साइड फोकस पर। सो इमेज की प्रॉपर्टीज देखते हैं, पोजीशन होगी एफ टू पर, नेचर के देखते हैं, नेचर होगा रियल और इन्वर्टेड, यानी कि बिल्कुल रियल इमेज बनेगी, रियल में जो है रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इन्वर्टेड यानी कि उल्टी इमेज बनेगी, ठीक है। साइज पॉइंट साइज होगा, यानी कि बिल्कुल बिंदु जैसा साइज होगा पॉइंट, ठीक है। सेकंड केस दिया है हमें, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C1, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर हो, C1 के बियॉन्ड यानी कि C1 के पीछे की तरफ। सो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन आ गई C1 के पीछे की तरफ, यहां से कम दो रेज ड्रॉ करनी होंगी, एक तो हम कर सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। सो ये हमने की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो अदर साइड दूसरे साइड के फोकस से क्रॉस करेगी, ठीक है, और एक हम ड्रॉ कर सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर, जो इसका सेंटर होता है उससे, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो बिल्कुल सीधी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन वो क्रॉस कर जाती है। सो ये जहां पर भी एक दूसरे से मीट करेंगी वहीं हो जाएगा हमारी इमेज की पोजीशन। सो यहां पर ये मीट कर रहे हैं, सो यहां ये बनेगी इमेज, ठीक है। सो इमेज की प्रॉपर्टीज देखते हैं, पोजीशन बिटवीन F2 एंड C1, इमेज की पोजीशन, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C1 हो तो इमेज कहां पर बनेगी, बिटवीन F2 एंड C2, F2 और C2 के बीच में। नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड, रियल रेज जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, मीट कर रही हैं, सो ये क्या होगा, रियल इमेज होगी, और इन्वर्टेड यानी कि अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो ये बिल्कुल उसका उल्टा होगा। साइज होगा डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट का साइज जो है उसके कंपेयर में इमेज का साइज होगा डिमिनिश्ड यानी कि छोटा होगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा, ठीक है। थर्ड में हमें दिया है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट C1, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर हो, C1 पर। सो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, इसके लिए भी हम कम से कम दो रेज ड्रॉ करेंगे, एक हम पैरेलल करेंगे और एक हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से। सो ये पैरेलल ड्रॉ की, जो पैरेलल होगी वो फोकस से क्रॉस करेगी,
ये फोकस से इसने क्रॉस किया, उसके बाद जो सेंटर ऑफ सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल सीधी की सीधी चली जाएगी। सो आप नोटिस करेंगे ये एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं या फिर मीट कर रही हैं, C2 पर। सो इमेज जो है वो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, C2। ठीक है, ये बन गई हमारी इमेज। प्रॉपर्टीज़ देखते हैं इमेज की, इस कंडीशन में इमेज की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। पोजीशन एट C2, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन C1 पर होगी तो इमेज जो है वो C2 पर बनेगी। नेचर होगा इसका रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज जो है वो रियल होगी और इन्वर्टेड यानी कि अगर ये सीधी होगी तो ये उल्टी होगी। साइज कैसा होगा इमेज का, सेम साइज, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इमेज का भी साइज होगा। ठीक है, फोर्थ कंडीशन दी है हमें, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड C1, ऑब्जेक्ट की पोजीशन F1 और C1 के बीच में हो तो इमेज कहाँ बनेगी। सो ये है C1 और F1, इसके बीच में ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इसके लिए भी हम दो रेज ड्रॉ करेंगे, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक ऑप्टिकल सेंटर से। सो ये हमने ड्रॉ की है फोकस पैरेलल, पैरेलल जो होगी वो फोकस से क्रॉस करेगी दूसरे साइड, और जो ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेगी वो बिल्कुल सीधी चली जाएगी। ठीक है, ये एक दूसरे को मीट करेंगी यहां पर। ठीक है, सो जहां पर भी ये मीट करेंगी वहीं पर बन जाएगी इमेज, ये बन गई इमेज। सो इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इमेज कहां पर बन रही है, बियॉन्ड C2। सो इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, पोजीशन बियॉन्ड C2, पोजीशन कहां पर होगी इसकी, C2 के पीछे, बियॉन्ड। ठीक है, नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड, रियल इमेज बनेगी और इन्वर्टेड यानी कि अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो ये उल्टी बनेगी। साइज कैसा होगा, एनलार्ज यानी कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे अगर जब हम कंपेयर करेंगे इमेज का साइज तो इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का फिफ्थ केस दिया है हमें, व्हेन ऑब्जेक्ट एट F1, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर हो, F1 यानी कि फोकस 1 पर। ठीक है, ये F1 है, ये बना दिया हमने ऑब्जेक्ट। अब इसके लिए भी हम दो रे कम से कम ड्रॉ करेंगे, तो एक तो हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं और एक हम कर सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। सो ये हमने ड्रॉ की है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल है वो अपोजिट साइड वाले फोकस से क्रॉस होएगी। ठीक है, सो ये अपोजिट साइड वाले फोकस से क्रॉस होकर आगे निकल जाएगी और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी रे वो कुछ इस तरह से होगी, ये ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये दो रेज होंगी दोनों, आप नोटिस करेंगे कि ये दोनों रेज जो है वो यहाँ जब रिफ्रैक्टेड हो गई यानी कि लेंस को क्रॉस करेंगी तो ये आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि ये कभी भी मीट करेंगी नहीं। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज की पोजीशन होगी इन्फिनिटी पर। ठीक है, सो अगर हमारा ऑब्जेक्ट F1 पर है तो पोजीशन होगी इमेज की इन्फिनिटी पर, नेचर होगा रियल और इन्वर्टेड यानी कि अगर ये सीधी है तो इमेज जो है वो इन्वर्टेड यानी कि उल्टी बनेगी, और साइज होगा हाईली एनलार्ज यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उससे बहुत बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट की कंपेयर में इमेज का साइज जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का सिक्स्थ और लास्ट केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड O यानी कि ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें कहाँ दी गई है, F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में। ठीक है, ये F1 ये O, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन इनके बीच में कहीं पर भी बना देते हैं, ये बना दिया हमने ऑब्जेक्ट। इसके लिए रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एक हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, ये क्रॉस कहाँ से करेगा, F2 से। ठीक है, सो ये एक तो ये रे डायग्राम हमने ड्रॉ किया, रे ड्रॉ की लाइट रे, एक हम ड्रॉ करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, सो आप नोटिस करेंगे कि जो अदर साइड, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसके दूसरी साइड में इन दोनों रेज की दूरी जो है वो लगातार इंक्रीज होती जा रही है, तो इस साइड तो ये मीट करेंगी नहीं, ये किस साइड मीट करेंगी, जिस साइड में ऑब्जेक्ट ही है। सो इसके अपोजिट साइड में इमेजिनरी ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, इस तरह से, और ये यहाँ पर कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे से मीट करेंगी, जहाँ पर भी ये मीट करेंगी एक दूसरे से वहीं पर बनेगी इमेज। ठीक है, ये बन गई यहाँ पर इमेज। ठीक है, और ये इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल रेज से बनी है, इमेजिनरी रेज से बनी है, तो ये होगी वर्चुअल। ठीक है, सो इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं इमेज की, पोजीशन सेम साइड ऑफ लेंस, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में बनेगी इमेज। ठीक है, नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल यानी कि इमेज जो है वो इमेजिनरी लाइन से बनी है, आभासी है, रियल में नहीं बनेगी, इसे हम किसी पर्दे पर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और इरेक्ट यानी कि सीधी बनेगी।
ठीक है, साइज होगा एनलार्ज्ड, ऑब्जेक्ट किससे, बड़ा साइज होगा इमेज का, ठीक है, बड़ी होगी ऑब्जेक्ट से, ठीक है। इसी के साथ कॉन्वेक्स लेंस के सभी कॉन्सेप्ट हमारे हो जाते हैं कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पेजेस पर पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के रूल्स और इमेज किस तरह से बनती है उस पर, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस कंप्लीट होने के बाद अब हम पढ़ते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में सबसे पहले देखते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन के रूल्स, सो इसके तीन रूल्स होते हैं, तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, सो ये रे है, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये डाइवर्ज होगी, ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, तो ये डाइवर्ज करेगा, यानी कि रे जो है वो रिफ्रैक्ट होने के बाद इससे दूर जाएगी। और जब हम इसे यहाँ से देखेंगे, रिफ्रैक्ट होने के बाद जब हम इसे यहाँ से देखेंगे, ठीक है, ये हमारी आई है, यहाँ से जब हम इसे देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, जिस साइड से रे आ रही है उसी साइड के फोकस से, सेम साइड वाले फोकस से, ठीक है। यानी कि हम इसकी इमेजिनरी, बिल्कुल इसके अपोजिट इमेजिनरी रे ड्रॉ करेंगे तो वो बिल्कुल फोकस से क्रॉस करेगी, ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट रूल। कॉनकेव लेंस का सेकंड रूल है, रे ऑफ लाइट अपीयर टू मीट द फोकस विल एमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कोई लाइट रे जो फोकस की तरफ जा रही है, फोकस पर इंसिडेंट है, ठीक है, सो सपोज कीजिए ये रे है, ये फोकस की तरफ जा रही है एफ टू तरफ, ठीक है, ये लाइट रे फोकस की तरफ जा रही है, सो ये फोकस F2 पर पहुंचने से पहले ही जब लेंस से क्रॉस करेगी ये रिफ्रैक्टेड हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। सो इस तरह से ये है हमारा सेकंड रूल, जब कोई रे F2 की तरफ जा रही हो, ठीक है, सो वो उस पर पहुंचने से पहले ही पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की, ठीक है। कॉनकेव लेंस का लास्ट रूल है, ये बिल्कुल सिमिलर है कॉन्वेक्स लेंस के थर्ड रूल से। इसमें क्या कह रहा है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल पास विदाउट एनी डेविएशन। कोई भी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, इंसिडेंट होगी ऑप्टिकल सेंटर पर, वो बिना किसी डेविएशन यानी कि बिना किसी मुड़ाव के बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, ठीक है। सो ये है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ओ, ये है ऑप्टिकल सेंटर, कोई भी रे इससे जाएगी तो वो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी विदाउट एनी डेविएशन, ठीक है। सो दो ही ऐसी रेज होती हैं कॉनकेव लेंस में भी और कन्वेक्स लेंस में भी, एक तो होती है प्रिंसिपल एक्सिस और एक होती है जो ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करे, ठीक है। कॉनकेव लेंस के रूल्स के बाद अब हम देखते हैं रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होती है, उसके लिए रे डायग्राम। सो इसके टोटल दो केसेस होते हैं, उन दोनों केसेस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट दिया है हमें, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट की पोजिशन दी गई है इन्फिनिटी यानी कि अनंत पर, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, ठीक है। सो ये है हमारा कॉनकेव लेंस, इमेज जो लाइट रेज हैं इन्फिनिटी से इस पर इंसिडेंट होंगी, ठीक है, ये लाइट रेज इंसिडेंट हैं इस पर, और ये लाइट रेज, ये मिरर कैसा होता है, डाइवर्जिंग, सो ये डाइवर्ज हो जाएंगी यानी कि एक दूसरे से दूर जाएंगी रिफ्रैक्ट होने के बाद, सो ये इस साइड तो मीट करेंगी नहीं क्योंकि यहाँ तो ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं और इमेज के लिए हमें इन्हें मीट कराना होगा कहीं ना कहीं, सो इस साइड में नहीं तो नहीं करेंगी, हम क्या करेंगे, इमेजिनरी रेज ड्रॉ करेंगे बिल्कुल इनके अपोजिट साइड में, ठीक है, ये इमेजिनरी रेज ड्रॉ करेंगे। सो हम नोटिस करेंगे जो इमेजिनरी रेज हैं वे एक दूसरे को फोकस पर मीट कर रही हैं और जहाँ पर भी इमेजिनरी रेज मीट करेंगी वहीं पर बन जाएगी इमेज, और इमेज कैसी होगी, वर्चुअल, क्योंकि इमेजिनरी रेज द्वारा बनी है, ठीक है। सो पोजीशन कहाँ पर होगी इमेज की, एट F1 पोजीशन पर ये दोनों मीट कर रही हैं, यहीं पर बनेगी इमेज जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा, ठीक है। नेचर होगा वर्चुअल और इरेक्ट, इरेक्ट यानी कि सीधा और वर्चुअल जो इमेजिनरी रेज द्वारा बनती है, ठीक है। साइज होगा पॉइंट साइज यानी कि बिल्कुल छोटा सा साइज होगा ऑब्जेक्ट से, ठीक है। कॉनकेव लेंस की सेकंड कंडीशन दी है, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगी तो इमेज कहाँ बनेगी, सो ये है ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी इस तरफ कहीं पर भी, ठीक है। सो उसके बीच में रख लेते हैं इन्फिनिटी और ऑब्जेक्ट, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ये हमने बना दिया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से हम दो रेज ड्रॉ करेंगे, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी और एक ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करती हुई, तो हम नोटिस करेंगे कि जो पैरेलल है
वो डाइवर्ज होने के बाद एक दूसरे से दूर जाएंगी, जो ऑप्टिकल सेंटर की तरफ से ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करके जा रही है और जो डाइवर्ज हुई है ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। सो ये राइट साइड में, इस साइड में तो मीट करेंगी नहीं, सो ये मीट करेंगी अपोजिट साइड में, जब हम इस रे का अपोजिट इमेजिनरी ड्रॉ करेंगे। ये फोकस से डाइवर्ज होगी, सो हम फोकस की तरफ इसमें इमेजिनरी ड्रॉ करेंगे। सो ये कहाँ पर मीट कर रही हैं एक दूसरे से, यहाँ पर, ठीक है। सो इमेज बन जाएगी यहीं पर, ये बन गई हमारी इमेज। अब जो इमेज बनी है वो कहाँ पर बनी है, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। सो इमेज की पोजीशन क्या होगी, एट F1 एंड O, बिटवीन, ठीक है, एट नहीं आएगा यहाँ पर, आएगा बिटवीन, बिटवीन F1 एंड O, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो भी इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी क्योंकि इमेजिनरी रेज द्वारा बनी है, और इरेक्ट यानी कि सीधी होगी, और साइज होगा डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो बड़ा है, इमेज जो है ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, ठीक है। इसी के साथ जो हमारा कॉनकेव लेंस है उसके सभी कॉन्सेप्ट हो जाते हैं कंप्लीट, कॉनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस के सभी कॉन्सेप्ट हो जाते हैं कंप्लीट। अब हम देखते हैं लेंस फॉर्मूला, जो हम न्यूमेरिकल्स में हमारी हेल्प करेगा सोल्व करने के लिए। सो लेंस फॉर्मूला होता है 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ। ये बिल्कुल सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में। मिरर फॉर्मूला जो होता है उसमें यहाँ पर आता है प्लस, लेंस फॉर्मूला में यहाँ पर आता है माइनस, ठीक है। बाकी सब बिल्कुल मिरर फॉर्मूले की तरह ही है। वी जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस होता है, यू जो है ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, और एफ जो है वो फोकल लेंथ यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी, ठीक है। बात करते हैं मैग्नीफिकेशन, लेंस के मैग्नीफिकेशन के बारे में। सो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की इमेज से, सॉरी ऑब्जेक्ट की हाइट से इमेज की हाइट का रेशियो, उसे कहा जाता है मैग्नीफिकेशन। इसे हम इन शॉर्ट इस तरह से लिख सकते हैं, मैग्नीफिकेशन जो है उसे एम से डिनोट किया जाता है। इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज जो होती है उसे एच डैश से डिनोट किया जाता है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उसे एच से डिनोट किया जाता है। और लेंस का जो मैग्नीफिकेशन है वो मैग्नीफिकेशन वी अपॉन में यू के भी इक्वल होता है, ठीक है। सो इसे हम इसको और इसको अगर एक ही इक्वेशन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू वी अपॉन यू इक्वल्स टू एच डैश अपॉन में एच, ठीक है। फाइनली हमें इसका यूज करना है, ठीक है। चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा पावर ऑफ लेंस, लेंस की पावर। सो लेंस की पावर क्या होता है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। ये रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का मीटर में, रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा, ठीक है। इन्हें शॉर्ट में हम इस तरह से लिख सकते हैं पावर इक्वल्स टू वन अपॉन में फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, ठीक है, यानी कि उल्टा, ठीक है। सो वन अपॉन में फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जो लिखेंगे हम उसे मीटर में लिखना होगा तभी हम पावर फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। सो पावर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं वन अपॉन में एफ, एफ होता है फोकल लेंथ, ठीक है। और जो SI यूनिट होती है पावर की वो होती है डायोप्टर, ठीक है। SI यूनिट जो है लेंस के पावर की वो होती है डायोप्टर, और डायोप्टर को कैपिटल डी से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। सो चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। अगर आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ आए हैं तो इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है तो उसे कमेंट बॉक्स सेक्शन में मेंशन कीजिए। और इसी चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आपके तीन टाइप के होंगे, एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो एक वीडियो में मैं एग्जाम्पल्स को सोल्व करूँगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं इन टेक्स्ट यानी कि जो चैप्टर के बीच में न्यूमेरिकल्स दिए होंगे उनको और चैप्टर एंड की उनको सोल्व करूंगा। ये दोनों वीडियोज़ जो हैं आपको विद इन 4 or 5 days में फर्स्ट कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा इन वीडियोज़ का, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा मैं, ठीक है। वहाँ से जाके आप इन दोनों वीडियोज़ को, न्यूमेरिकल्स की वीडियोज़ को ईजिली देख सकेंगे।